जागरण जोश को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। जुलाई 2018 को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST को लागू हुए एक साल पूरा हुआ। पिछले साल 1 जुलाई को संसद के विशेष सत्र को बुलाकर GST को लागू किया गया था। इसी के साथ ही इस दिन को GST डे के रूप में मनाने का सरकार ने फैसला लिया। शुरुआती दिनों में GST की कम्प्लेक्सिटीज को लेकर कुछ सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन अब ये टैक्स लागू है और देश भर में चल रहा है। अब भी GST को लेकर कई काम होने बाकी हैं, लेकिन GST पर व्यापारियों का भरोसा समय के साथ और मजबूत होता जा रहा है। चलिए अब समझते हैं कि GST होता क्या है। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक अप्रत्यक्ष कर यानी इनडायरेक्ट टैक्स है। GST के तहत वस्तुओं और सेवाओं पर एक समान टैक्स लगाया जाता है। इसके तहत मूल्यवर्धित कर, सेवा कर, केंद्रीय बिक्री कर, उत्पाद शुल्क और अतिरिक्त सीमा शुल्क जैसे केंद्रीय और राज्य करों में से अधिकांश को खत्म कर बस एक टैक्स GST को लगाया जाता है। चलिए अब समझते हैं कि इस एक साल में GST कितना रहा कामयाब और कहां रही खामियां। सबसे जो पहला बेनिफिट रहा है वो है एक राष्ट्र एक कर। GST ने भारत में एक राष्ट्र एक कर एक बाजार जैसे एक सरल पारदर्शी IT संचालित कर व्यवस्था को लागू किया। इसके साथ ही पहले के टैक्स व्यवस्था जो कि एक मल्टीलेयर्ड और कॉम्प्लेक्स अप्रत्यक्ष कर संरचना थी को हटाया। दूसरा जो बेनिफिट है वो है सिंगल नेशनल मार्केट। राज्यों की सीमाओं पर पहले ट्रकों की लंबी लाइनें लगा करती थी, लेकिन अब पूरे राष्ट्र के एक बाजार के रूप में तब्दील होने के चलते ये स्थिति खत्म हुई। इसके चलते ट्रांजैक्शन में देरी होती थी और बेवजह सामान भी अटका रहता था। GST ने रजिस्ट्रेशन, ड्यूटी भुगतान, रिटर्न दाखिल करने और करों की वापसी के लिए एक समान सिस्टम को अपनाया, जिससे भारत में व्यवसाय करने की आसानी में सुधार हुआ। GST ने भारत को एक एकीकृत बाजार बनाया और टैक्स के कैस्केडिंग इफेक्ट्स को खत्म किया। अब आते हैं महंगाई पर। GST को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि इससे देश में महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि सिंगल टैक्स सिस्टम लागू करने वाले कई देशों में ये देखा गया है, लेकिन भारत में स्थिति सामान्य रही। अगला बेनिफिट है टैक्स का दायरा बढ़ना। GST के चलते इकोनॉमी का फॉर्मलाइजेशन होगा और टैक्स के दायरे से बचना और मुश्किल होता जाएगा। अब तक एक साल में GST के तहत 1 करोड़ कारोबारियों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन के सब्सक्राइबर्स की संख्या में इजाफा होना भी इसका एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा लोगों के रिटर्न फाइल करने के चलते टैक्स कलेक्शन में भी बढ़ोतरी हुई है। अब आते हैं अगले बेनिफिट पर, जो है हर किसी की जीत। करीब 17 प्रकार के टैक्स और कई सेस का GST में विलय हो गया है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, VAT और परचेस टैक्स जैसे टैक्सेस अब GST में ही इंक्लूड हो गए हैं। GST के चलते टैक्स क्रेडिट का फ्री फॉल हुआ है और कंपनियों की आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, जिसका फायदा ग्राहकों को मिला है। अब बात करते हैं GST की खामियों की। सबसे पहली खामी है अनुपालन में अभी और दुरुस्त होने की जरूरत। GST के कंप्लायंस में सबसे अधिक समस्या आ रही है, खास तौर पर तकनीकी समस्या के वजह से कई बार व्यापारियों को मुश्किलें आई हैं। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए एक नया रिटर्न फाइलिंग का फॉर्म तैयार किया गया है। अगली खामी है रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जटिलता। कई तरह के रजिस्ट्रेशन की जरूरतों के वजह से इंडस्ट्री को जटिलता महसूस हो रही है। कई मामलों में हर राज्य में रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है, तो कंपनियों को इस बात की आशंका है कि मल्टीपल रजिस्ट्रेशन के वजह से मल्टीपल ऑडिट और मल्टीपल असेसमेंट होगा, जिसके वजह से आने वाले टाइम में मुश्किलें और बढ़ेंगी। अगली खामी है नए सेस का लागू होना। GST के चलते कई तरह के टैक्स का विलय हुआ, लेकिन अब भी एक नए तरीके की लेवी लागू हो गई है। लग्जरी गुड्स पर कंपनसेशन टैक्स लागू हो गया है और यही टैक्स अब ऑटोमोबाइल्स पे भी लगेगा। यही नहीं, अब ऐसा ही सेस शुगर पर भी लगाने का विचार चल रहा है। अगली खामी है एक्सपोर्टर्स को रिफंड की प्रॉब्लम। एक्सपोर्टर्स रिफंड मैकेनिज्म और डेटा मैचिंग लॉ में जटिलता।
इसके लिए कई बार सरकार की ओर से प्रयासें की जा चुकी हैं, लेकिन इस विषय में अभी भी और दखल देने की जरूरत है। पीजीआई के पेट गठन के अधिकार यानी मास्टर ऑफ रोस्टर को चुनौती देने वाली याचिका को 6 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये याचिका वरिष्ठ वकील और पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण ने दायर की थी। जस्टिस ए के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दी कि सीजीआई ही मास्टर रोस्टर है, ऐसे में इसमें कोई और संकेत या विवाद नहीं होना चाहिए। दरअसल शांति भूषण ने सीजीआई पर मनमाने ढंग से शक्ति का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कोर्ट से 52 दिशा निर्देश तय करने की मांग की थी। साथ ही यह भी कहा था कि सुनवाई पीठों के गठन में सीजीआई कलेजियम से परामर्श किया करे। दूसरी तरफ के वेणुगोपाल जो अटॉर्नी जनरल हैं, उन्होंने भूषण के इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि एक व्यक्ति में शक्ति निहित रहना ही ठीक है, कई लोगों में शक्ति निहित रहने से अव्यवस्था फैलेगी। अब समझते हैं कि मास्टर ऑफ रोस्टर होता क्या है। मास्टर ऑफ रोस्टर थ्योरी के तहत चीफ जस्टिस को अधिकार है कि वो जजों के बीच केसों का आवंटन कर सकता है। चलिए अब जानते हैं कि कोर्ट ने इस मामले में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि चीफ जस्टिस की भूमिका सभी जजों के बीच में एक प्रमुख की होती है और उन पर मामलों को बांटने का विशिष्ट दायित्व होता है। एक एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में वह उनके नेता हैं और प्रवक्ता हैं। बेंच ने यह भी कहा कि संविधान मुख्य न्यायाधीश के मुद्दे पर चुप है, लेकिन परंपरा और अभी तक के फैसलों में सभी के द्वारा माना गया है कि चीफ जस्टिस बराबरी में सबसे पहले है। इसीलिए ये बात स्वीकार नहीं की जा सकती कि मामलों के आवंटन में चीफ जस्टिस का मतलब कोलेजियम है। बेंच ने इसके बाद अशोक पांडे मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया कि चीफ जस्टिस एक इंस्टीट्यूशन के रूप में है। बेंच ने आगे कहा कि सीजीआई ही केसों का बंटवारा करे, यही सबसे बेहतर विकल्प है, क्योंकि अगर केसों का बंटवारा कोलेजियम तय करेगा तो कई जज ये कहेंगे कि ये केस उन्हें दिया जाए जिससे हितों में टकराव होगा। इसीलिए ये मांग अव्यवहारिक है और इसे माना नहीं जा सकता। बेंच ने आगे कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी और रिफॉर्म्स तथा मनोज पांडे से संबंधित मामले के फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि जब मुकदमों के आवंटन की बात हो तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश के कोलेजियम के रूप में नहीं देखा जा सकता। तो ये पहली बार नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी याचिका खारिज कर दी। बता दें कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने संवैधानिक पीठों का गठन करने और कामकाज का बंटवारा करने सहित पीठों का संयोजन करने के लिए नियम निर्धारित करने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया था। वकील अशोक पांडे की याचिका को खारिज करते हुए सीजीआई दीपक मिश्रा, जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस डीवा चंद्रचूड की पीठ ने कहा था कि इस संस्था के प्रमुख सीजीआई हैं और न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों मामलों में शीर्ष अदालत के सुचारू ढंग से कामकाज करने के लिए उनके पास प्रशासनिक शक्तियां हैं। डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस संस्था के प्रमुख के तौर पर मुख्य न्यायाधीश पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। फ्रांस का पिछले 20 साल से चला आ रहा इंतजार रूस के लुज्नीकी स्टेडियम में आखिरकार समाप्त हो गया। फीफा विश्व कप 2018 में क्रोएशिया को 4-2 से हराकर फ्रांस दूसरी बार विश्व चैंपियन बना। इसी के साथ ही फ्रांस 2 बार विश्व का खिताब जीतने वाली टीम्स अर्जेंटीना और उरुग्वे की श्रेणी में आ गया। क्रोएशिया का ये पहला विश्व कप फाइनल मैच था। एक मजेदार बात यह है कि 1998 में जब फ्रांस पहली बार विश्व चैंपियन बना था, उसी साल क्रोएशिया ने अपना पहला विश्व कप का मैच खेला था। फीफा विश्व कप चुने हुए टीम्स के राष्ट्र टीमों द्वारा खेले जाने वाली एक अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता है। 1930 में इसे पहली बार खेला गया था और उसके बाद हर 4 साल में इसे आयोजित किया जाता है, सिवाय 1942 और 1946 के, जब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ये खेला नहीं जा सका था। इससे पहले 2014 में ब्राजील ने फीफा विश्व कप को होस्ट किया था और जर्मनी ने इसे जीता था। अब तक हुए 21 फीफा विश्व कप को सबसे अधिक यानी 5 बार ब्राजील ने जीता है और ब्राजील ही एक ऐसी लौटी टीम है जिसने सभी विश्व कप में पार्टिसिपेट किया है। बाकी टीम्स की बात करें तो जर्मनी और इटली ने इस खिताब को 4 बार जीता है,
फ्रांस, उरुग्वे और अर्जेंटीना ने दो बार और स्पेन और इंग्लैंड ने एक एक बार। बात करें होस्ट कंट्रीज की तो अब तक 17 देशों ने विश्व कप को होस्ट किया है। ब्राजील, फ्रांस, इटली, जर्मनी और मेक्सिको ने इस प्रतियोगिता को दो बार होस्ट किया है, जबकि उरुग्वे, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, चिली, इंग्लैंड, स्पेन, अर्जेंटीना, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस प्रत्येक ने इसे एक बार होस्ट किया है। विश्व कप 2022 कतर द्वारा होस्ट किया जाएगा। इसी के साथ ही कतर ऐसा पहला अरब देश होगा जहां पे फीफा विश्व कप का मैच खेला जाएगा। अब बात करते हैं बेस्ट इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस की। फीफा गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया इंग्लैंड के हैरी केन को, जिन्होंने टूर्नामेंट में 6 गोल किए। ये अवार्ड सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। फीफा गोल्डन बॉल अवार्ड क्रोएशिया के लुका मॉड्रिच को दिया गया। ये अवार्ड टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। फीफा गोल्डन ग्लव्स अवार्ड बेल्जियम के गोलकीपर थिबॉट कोर्टुआ को दिया गया उनके बेहतरीन गोलकीपिंग के लिए। फीफा फेयर प्ले अवार्ड स्पेन को दिया गया। ये अवार्ड उस टीम को दिया जाता है जो मैदान में सर्वोत्तम अनुशासन के साथ खेलती है। फीफा युवा खिलाड़ी अवार्ड फ्रांस के किलियान एम्बापे को दिया गया। ये अवार्ड सबसे प्रभावी खिलाड़ी को दिया जाता है। फ्रांस की तरफ से फाइनल में 4th गोल करने के साथ ही एम्बापे फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में गोल करने वाले दूसरे टीनेजर बन गए। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलने से नाराज तेलुगु देशम पार्टी ने केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया और इसे कांग्रेस, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस, आप और सीपीआई समेत कई पार्टियों ने अपना समर्थन दिया। लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन द्वारा इसे मंजूर करने के बाद चर्चा के लिए 20 जुलाई 2018 का दिन तय हुआ, जिस पर करीब 11 घंटे की लंबी बहस चली। इस लंबी बहस के बाद हुई वोटिंग में विपक्ष द्वारा लाया गया ये अविश्वास प्रस्ताव को गिराया गया। इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 126 मत पड़े, जबकि विपक्ष में 325 मत पड़े। लोकसभा में विपक्ष द्वारा लाया गया ये 27वां अविश्वास प्रस्ताव है, जबकि मोदी सरकार के खिलाफ ये पहला अविश्वास प्रस्ताव है। अविश्वास प्रस्ताव संविधान के आर्टिकल 75(3) से प्रेरित माना जाता है, जिसमें कहा गया है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार है। इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद तभी तक सत्ता में रह सकती है जब तक लोकसभा में उसे बहुमत प्राप्त हो। चलिए अब समझते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है। अविश्वास का प्रस्ताव एक संसदीय प्रस्ताव है जिसे विपक्ष द्वारा संसद में केंद्र सरकार को गिराने या कमजोर करने के लिए रखा जाता है। इस प्रस्ताव को संसदीय मतदान द्वारा पारित या अस्वीकार किया जाता है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए सबसे पहले विपक्षी दल को लोकसभा के अध्यक्ष या स्पीकर को लिखित सूचना देनी होती है, जिसके बाद स्पीकर उस दल के किसी भी सांसद को इसे पेश करने के लिए कहती है। इस प्रस्ताव को तब लाया जाता है जब किसी दल को लगता है कि केंद्र सरकार संसद में बहुमत खो चुकी है, और इस प्रस्ताव को तब स्वीकार किया जाता है जब इसे कम 50 सदस्यों का बहुमत प्राप्त हो। अब जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद क्या होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे देते हैं तो प्रस्ताव पेश करने के 10 दिन के अंदर चर्चा जरूरी है। इसके बाद स्पीकर प्रस्ताव के पक्ष में वोटिंग करा सकता है या इस पर कोई फैसला ले सकता है। भारतीय संसद के इतिहास में सबसे पहली बार अगस्त 1963 में जे.बी. कृपलानी ने अविश्वास प्रस्ताव रखा था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सरकार के खिलाफ रखे गए इस प्रस्ताव के पक्ष में केवल 62 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में 347 वोट पड़े। आखिरी बार अविश्वास प्रस्ताव 2003 में सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली तत्कालीन एनडीए सरकार के खिलाफ पेश किया था। ये प्रस्ताव भी गिर गया था क्योंकि सरकार के पक्ष में 325 वोट पड़े और खिलाफ 212। असम सरकार द्वारा कड़ी सुरक्षा के बीच असम में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC के दूसरे एवं अंतिम ड्राफ्ट को जारी कर दिया गया। इसे इसलिए जारी किया गया है ताकि असम में अवैध तौर पर रह रहे लोगों का पता लगाया जा सके। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर होता क्या है।
राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर असम के नागरिकों की नागरिकता सूची है। इस रजिस्टर में उन सभी भारतीय नागरिकों के नाम, पते और फोटोग्राफ हैं जो 25 मार्च 1971 से पहले से असम में रह रहे हैं। चलिए अब चलते हैं इस रजिस्टर के कुछ मुख्य पॉइंट्स पर। कुल 3.29 करोड़ लोगों में 2.89 करोड़ लोगों के नाम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर में शामिल होने के योग्य पाए गए, जबकि 40 लाख लोगों के नाम इस रजिस्टर में नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा ये आश्वासन दिया गया है कि जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में नहीं है उनके अधिकार कम नहीं होंगे। आवेदकों के लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है जिस पर फोन करके वह ये पता लगा सकते हैं कि उन्हें भारतीय नागरिकता मिली है या नहीं। ये अंतिम NRC ड्राफ्ट 30 जुलाई को प्रकाशित किया गया था। अब समझते हैं कि असम में NRC की आवश्यकता क्यों है। असम में लंबे समय से अवैध रूप से रहने वाले बांग्लादेशियों का मुद्दा छाया रहा है। 80 के दशक में इस मामले को लेकर छात्रों ने आंदोलन किया था, जिसके बाद असम गण परिषद और तत्कालीन राजीव गांधी सरकार के बीच में समझौता हुआ और इस समझौते में यह तय किया गया कि 1971 से पहले बांग्लादेशी जो असम में घुसे उन्हें नागरिकता दी जाएगी और बाकी को निर्वासित किया जाएगा। अब जानते हैं कि NRC ड्राफ्ट में नाम कैसे दर्ज किया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा है कि NRC ड्राफ्ट में जिन लोगों के नाम उपलब्ध नहीं होंगे उनके द्वारा नाम दर्ज कराया जा सकता है। ये लोग एक फॉर्म को भरकर अपने नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये फॉर्म 7 अगस्त और 28 सितंबर के बीच उपलब्ध होंगे। लेकिन इसके बाद भी जिन लोगों को NRC ड्राफ्ट में जगह नहीं मिलेगी उनका क्या होगा, इस पर सरकार ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। फिलहाल इन छूटे हुए लोगों को विदेशी के रूप में लेबल नहीं किया गया है और ना ही इन्हें हिरासत केंद्र भेजा गया। केंद्रीय आवास व शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 13 अगस्त 2018 को ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 जारी किया। शहरों को रैंकिंग देने के लिए देश के 111 शहरों में सर्वेक्षण कराए गए। इसके बाद इसकी घोषणा की गई। भारत में रहने के लिहाज से सबसे बेहतर शहर पुणे है। पुणे को घोषित ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में सबसे पहले स्थान पर रखा गया। नवी मुंबई को दूसरा स्थान हासिल हुआ। अब बात करते हैं टॉप 10 शहरों की। जैसे कि मैंने पहले कहा, सबसे पहले स्थान पर है पुणे, दूसरे स्थान पर है नवी मुंबई, तीसरे पर है ग्रेटर मुंबई, चौथे पर है तिरुपति, पांचवें पर है चंडीगढ़, छठे स्थान पर है ठाणे, सातवें स्थान पर है रायपुर, आठवें पर है इंदौर, नवें स्थान पर है विजयवाड़ा और दसवें स्थान पर है भोपाल। अब बात करते हैं इस इंडेक्स की कुछ की हाइलाइट्स की। पुणे के अलावा महाराष्ट्र के 3 और शहर इस लिस्ट में हैं, जिनका नाम है ठाणे, नवी मुंबई और ग्रेटर मुंबई। सूची में अव्वल रहे पुणे में शुद्ध हवा, पानी, सुरक्षा, शिक्षा, स्वच्छता और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अलावा इंदौर ने भी टॉप 10 में अपनी जगह बनाई, लेकिन कई बड़े शहरों वाले राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु के किसी भी शहर ने टॉप 10 में अपनी जगह नहीं बनाई। केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो चंडीगढ़ ही है सिर्फ जिसने अपनी टॉप 10 में जगह बनाई है, जबकि देश की राजधानी दिल्ली को 65वां स्थान प्राप्त हुआ। अब जानते हैं कि ये सर्वे क्यों हुआ। मंत्रालय की ये लिविंग इंडेक्स इसीलिए बनाया गया ताकि शहरों को ग्लोबल और नेशनल मानकों के साथ साथ अपना आकलन करने में सहायता मिल सके। इसके अलावा शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन को और बेहतर करने में प्रोत्साहित किया जा सके। इन सभी शहरों की रैंकिंग इंस्टीट्यूशनल, सोशल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर है। अब जानते हैं कि सर्वे के आकलन के लिए कौन से प्रमाण रखे गए। सर्वे में शहरों के आकलन के लिए 4 मुख्य प्रमाण रखे गए और ये प्रमाण है इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस, सामाजिक, आर्थिक और बौद्धिक परिस्थितियाँ। इंस्टीट्यूशन गवर्नेंस और सामाजिक श्रेणी के लिए 25-25 अंक रखे गए, जबकि भौतिक परिस्थितियों के लिए सबसे अधिक यानी 45 अंक रखे गए और बाकी बचे 5 अंक आर्थिक परिस्थितियों के लिए रखे गए।